आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसने कच्चे घरों में रहने वाले करोड़ों गरीब परिवारों की आंखों में नए और पक्के घर के सपने जगा दिए। ग्रामीण इलाकों में गरीबों के पक्के घर के सपने साकार भी हुए हैं। इसी की सफलता को देखते हुए सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के घर का प्रबंध करने का विचार बनाया और इसी योजना का शहरी वर्जन लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पीएमएयू। चिंता की बात यह है कि बड़े शहरों में यह स्कीम पूरी तरह सफल साबित नहीं हुई। पीएमएयू की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर शहरी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत 1.19 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जो पहले की शहरी आवास योजनाओं से 10 गुना अधिक है। अब पीएमएयू 2.0 के तहत 1 और करोड़ घरों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। क्यों बड़े शहरों में नहीं है, है कारगर? हालांकि पीएमएयू का पहला चरण छोटे शहरों में ज्यादा सफल रहा, जबकि बड़े शहरों में इसका असर अपेक्षाकृत कम रहा है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद जैसे मिलियन प्लस शहर में लगभग 13,000 घरों को मंजूरी मिली, जबकि कुशीनगर जैसे छोटे शहर में भी 12,000 घरों को मंजूरी दी गई। इससे पता चलता है कि बड़े शहरों में इस योजना का फैलाव सीमित रहा है। इलाहाबाद की आबादी 10 लाख से अधिक है, जबकि कुशीनगर की आबादी इसकी तुलना में काफी कम। ऐसे में केवल 1,000 अधिक घरों की मंजूरी से योजना सफल नहीं हो सकती। गौर करने वाली बात यह भी है कि छोटे शहरों में भूमि की कीमत कम होती है और वहां ज्यादा लोग इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जमीन के रेट बहुत ऊंचे होते हैं और हर गरीब के पास बड़े शहरों में घर बनवाने के लिए जमीन नहीं होती। पीएमएयू की 4 प्रमुख उपयोजनाओं में से सबसे सफल योजना बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बीएलसी रही, जिसने छोटे शहरों में जमीन के मालिक गरीब परिवारों को अपने घर बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की। बीएलसी के तहत स्वीकृतियों का 62% हिस्सा छोटे शहरों में ही केंद्रित रहा, लेकिन बड़े शहरों में जहां कम ही लोग भूमि के मालिक हैं, यह योजना कारगर नहीं हो पाई। गरीबों की पहुंच में नहीं होम लोन। दूसरी योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना CLSS है, जिसे अब इंटरेस्ट सब्सिडी योजना ISS कहा जाता है। इसने EWS परिवारों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया, जितने की उम्मीद की जा रही थी। यह योजना मुख्यतः निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG परिवारों के लिए कारगर रही, लेकिन शहरी गरीबों के लिए होम लोन तक पहुंच की सीमाओं के कारण इसका प्रभाव भी सीमित रहा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।